अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर बहरिया टाउन कराची से मेरा नाम वीर यासीन और आज मेरे साथ मौजूद हैं उमेर भाई जो मेरे कोलीग हैं और आज हम एक प्राइवेट प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस प्राइवेट प्रोजेक्ट का नाम है स्काई व्यू। सबसे पहले हम इसके बिल्डर की बात करें जी उमेर भाई, हमें इसके बिल्डर के बारे में बताएं कि इसके बिल्डर कौन है और इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हैं कहाँ कहाँ इनके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया वलीद भाई। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को लोकेशन वाजे कर दूँ कि किस जगह पर स्काई व्यू ये प्रोजेक्ट बने जा रहा है। मेन जनाब है, मेन गेट से अगर आप बहरिया टाउन के ट्रैवल करते हैं तो हार्डली एक किलोमीटर की ड्राइव पे आपके ये लेफ्ट साइड पे प्लॉट नंबर 72B और 71 प्लॉट नंबर पे ये ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग बनने जा रही है और इसके में तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। ग्राउंड प्लस 10 में ग्राउंड प्लस पे शोरूम पे दिए गए हैं और फर्स्ट फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक अपार्टमेंट में हैं और हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट दिए गए हैं। और जिस तरह आपने बिल्डर के हवाले से पूछा तो A5 बिल्डर एंड डेवलपमेंट इनके जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इनकी DHA सिटी में काफ़ी यानी कि प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके जो आपने पहले बताया कि ये ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 8 फ्लोर तक जो है वो इसके अपार्टमेंट है और 9th और 10th फ्लोर पे इन्होंने क्या मतलब कोई लिविंग जी वलीद, इन्होंने पेंट हाउस दिए गए हैं 9th और 10th फ्लोर पे। जी, और इसका जो 2 बेड और 3 बेड और 4 बेड है या मतलब कि इसमें 1 बेड भी अवेलेबल है? नहीं, इसमें 1 बेड अवेलेबल नहीं है, 2 बेड 3 बेड और 4 बेड। इस तरह मैंने बताया हर फ्लोर पे 4 इन्होंने अपार्टमेंट दिए गए हैं। 2 बेड का साइज़ अगर मैं बताऊं तो 246 स्क्वायर फीट, 3 बेड और 4 बेड का अगर मैं मैक्सिमम साइज़ बताऊँ तो 2776 स्क्वायर फीट इसका साइज़ दिया गया है। ठीक हो गया। और जो 4 बेड है वो इसके मतलब दरमियान में है या मतलब साइड पे इन्होंने दिया है? 4 बेड वो कॉर्नर वाली साइड पे दिया गया है जो कि थीम पार्क को फेस करता हो। थीम पार्क एक इसका मेन व्यू कह लें कि सबसे यानी कि हाइटेड लोकेशन पे अगर आप थीम पार्क की तरफ, कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा कि थीम पार्क को फेसिंग करता हो ये तमाम प्रोजेक्ट है और 4 बेड बिल्कुल कॉर्नर है जहाँ से आप मिडवे का और थीम पार्क पूरे का आप व्यू ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें ये भी बताएं कि ये सारा कैश पर है या इसमें मर्जिंग भी अवेलेबल है? जी वलीद भाई, इसकी बुकिंग के हवाले से मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इसकी बुकिंग टोटली कैश पे है। 20% आप डाउन पेमेंट दे के आप बुक करवा सकते हैं अपना अपार्टमेंट और साथ ही साथ इसका 10% डिगिंग एंड फर्दर इसकी इंस्टॉलमेंट है। जी मेरे भाई, जो भी हमारे व्यूज यहाँ पर मतलब अपार्टमेंट बुक करवाते हैं या किसी और प्रोजेक्ट में करवाते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पर अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर जब हम यहाँ पर रहने आ जाएंगे तो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो लेने के लिए कितनी है मतलब ट्रैवल का हमें मतलब? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया वलीद भाई आपने। वलीद भाई देखें, जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है आपके बिल्कुल इनके लेफ्ट साइड पे देखें तो मिडवे बन रहा है, टोटल कमर्शियल हब है, वहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मौजूद है और साथ ही इसके इम्तियाज़ सुपर स्टोर है बिल्कुल 300-400 मीटर की ड्राइव पे और बेगम अख्तर रुसाना हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है और प्रेशर 19 की गैलरी भी आपके लिए ऑपरेशनल है। तमाम ज़रूरत ज़िंदगी आपके थोड़े फासले पर मौजूद है। जी व्यूज, तो जैसा कि मेरे भाई आपको बता रहे थे कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है इसकी जो लाइफ टाइम जो व्यू है वो भी आपको थीम पार्क मिलेगा और ज़रूरियात ज़िंदगी की भी जो अशियाँ हैं वो अभी आप वॉकिंग डिस्टेंस से आप इनको अवेल कर सकते हैं चाहे वो घर की कोई भी चीज़ हो। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे जो दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।